तो मैं सज्जाद अहमद मारकोट से जी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन बच्चों की क्या परेशानी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम महबूब है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तहसील मंडी, विलेज मार्कोट। मेरी हिमाचल प्रदेश के डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि वहाँ जो मजदूर हैं हमारे पापा भी उनको छोड़ा जाए, उनके लिए कोई गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि हमसे थोड़ी बहुत ये जिम्मेदारी का काम होता तो हम कर लेते, तो इतना हमारी ये ज़मीनों में इतना काम हमारे पापा होते तो ये काम हो चुका होता, तो हम छोटे छोटे हम नहीं इतना काम कर सकते। तो मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए कोई गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाए। हाँ जी, तो आप बताइए आपकी क्या परेशानी है? हाँ जी, हमारी भी यही परेशानी है, हमारे जो के पापा हमारे उधर हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं, हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि उनको छोड़ा जाए, कम से कम इतना हमसे इतना काम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पापा यहाँ पर होते, इतना काम हम नहीं कर सकते, हमसे इतना काम नहीं हो सकता, हमसे काम इतना नहीं हो सकता कि हमारे पापे जी जी। 24 तारीख को अचानक हमने 21 तारीख को जब मोदी साहब पी एम ने 22 तारीख को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, उसके बाद हम यहाँ काम करने दिसंबर महीने से आए थे, 4 महीने हो गए थे, हमने घर जाना था, एकदम से लॉकडाउन लगाया, हम यहाँ पे रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद 24 तारीख को हम SDM साहब के पास DC ऑफिस गए, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया कि भाई आपका कोई काम नहीं, कोई परमिशन नहीं, और हम 31 दिन हो गए आज यहाँ पे बैठे हुए, और आज भी अभी देखो हम DC ऑफिस के गेट के सामने खड़े हैं, यहाँ पे देखो हमारी ना कोई सुनवाई हो रही है, 4-4 एप्लीकेशन हमने लगा के व्हाट्सएप भी कही है, फोन कॉल भी कर रहे हैं, कोई फोन भी उठाने को तैयार नहीं है, अब हमारी मजबूरी ये बन चुकी है, हम 15-20 बंदे एक एक कमरे में रह रहे, हमारा कोई वास नहीं, अब हमने लास्ट इनको बोल दिया हमारी परमिशन कर दो, आज इन्होंने एप्लीकेशन नहीं बोली, हमें अंदर नहीं, कोई DC के पास जान ही नहीं देता है, बाहर से पुलिस वाले ने एप्लीकेशन पकड़ी और वो भी हमें धकेल के बाहर वापस कर दिया, अब हमारी लास्ट यही है डिमांड कि आज दिन में हमारा कोई हल होता है, 21 तारीख है, 21 को अगर हमारी कोई भी परमिशन की आ जाती है अप्लाई हमें तो ठीक है, नहीं आएगी तो हम सुबह पैदल मार्च करने को तैयार है, चाहे हमें रास्ते पे रोके मारे क्वारंटाइन कराएं जो कुछ करें, देखो हमारी मजबूरी, बंदे हार्ट के शिकार हो चुके हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, वो भी इस वक्त परेशान हाल है, हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, तो क्या करेंगे, किसको सुनवाएंगे, ना हमारी JNK गवर्नमेंट सुन रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है, हमारा लास्ट है ये कि हमने राशन और किसी चीज को क्या करना है, जब हम खुद परेशान है, हमारे हमने एक ही हमारा मुद्दा है, हमने घर जाना है, तो हमें हिमाचल सरकार से ये डिमांड चाहते हैं, सर अगर आप ज्यादा नहीं तो अपने स्टेट की परमिशन हमें दे दो, गाड़ी का कोई प्रबंध हो सकता है तो धन्यवाद आपका, तो हमें यहाँ से चक्की तक के लिए कोई ना कुछ अपनी परमिशन बना के आज दिन में देते हैं तो ठीक है, नहीं तो सर हम सुबह पैदल रोड पे निकलेंगे, फिर जो हुआ सो ठीक है, मैं इसी पे ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ।